क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। सिक्स क्या कह रहा है? सिक्स कह रहा है जब आर्थिक चिट्ठा न दिया रहे और एक साझेदार दिवालिया हो जाए, ठीक है ना, JKM पार्टनर से अनुपात दिया 4:3:3, उन्होंने फर्म के उठने का निर्णय लिया, लेनदार है, BP है, पूंजी दिया हुआ है क्रमशः इसका DR बैलेंस है पूंजी का, M का, ध्यान रखिएगा आप लोग। के ने अपनी पत्नी से फर्म के लिए 15,000 लोन लिया है, ठीक है, 15,000 की संपत्तियाँ इतना में फर्म की संपत्ति इतना में बेच दी गई है, एम दिवालिया हो गया, कुछ भी देने में असमर्थ है, मतलब संपत्ति को बेचा है आपने बट संपत्ति कितना है वो पता नहीं है। तो इसके लिए आपको तैयार करना होगा एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट, उससे क्या होगा एसेट्स निकल जाएगा, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट या फिर ओपनिंग बैलेंस शीट आप बोल सकते हैं। चलिए बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्यों बनाते हैं, ताकि हम इससे यह जान सकें कि मेरे पास संपत्ति कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बैलेंस शीट है तो यहाँ लायबिलिटी होगा, यहाँ एसेट्स होगा, और फिर कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट जे का है, के का है, 30,000 और ये 25,000, ये है 30,000 और ये कितना है 25,000 है, हो गया 55,000, और ये कैपिटल जो है एम का दिया हुआ है कितना 20,000, ये DR बैलेंस है मतलब संपत्ति वाले भाग में जाएगा। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, और ये के का वाइफ लोन है, के वाइफ लोन, ये है 45, 20 और 15, ये है 45,000, 20,000 और ये 15,000, ठीक है ना। यहाँ तो कुछ है नहीं, सबको जोड़ लेंगे हम, जोड़ने से कुल लायबिलिटी होता है 1,35,000, 1,35,000 घटाएंगे 20,000 जो बचेगा वो कहलाएगा आपका एसेट्स, क्या कहलाएगा एसेट्स, दिस अमाउंट इज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट क्या निकल गया आपको, एसेट्स निकल गया। अब इस एसेट्स के आधार पर आप क्या बनाइए, रियल एसेट अकाउंट बनाइए, टू एसेट्स लिखते हैं, 1,15,000, यहाँ बाय BP है, क्रेडिटर्स है, ओ एसेट्स तो और कुछ है ही नहीं, है ना, BP है, क्रेडिटर्स है, के का वाइफ लोन है, के वाइफ लोन कितना कितना है, यहाँ देखिए BP है 45,000 और ये है 20, 20, BP 45,000 है ना, सॉरी BP है 20,000, ये है 45,000 और ये है 15,000, संपत्ति की बिक्री से आपको प्राप्त हुआ है, बाय बैंक कर दो कितना प्राप्त हुआ है 1,02,000, और फिर पेमेंट कर दो टू बैंक, सबको एक साथ कर देते हैं 20, ये 45, 15, 60, 60, 20, 80, ले ब्रैकेट में लायबिलिटी कर दो, सबको एक ही साथ पेमेंट कर दो कितना 80,000, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, बैलेंस कर लो 1, 15 और 80, ये हो गया 8, 1, 9, 1,95,000, 1,95,000 में माइनस कर दो सबको, 1,80,000 दो, 1,82,000 माइनस कर दो, 2, 3, 5 हो गया, ये लॉस हो गया कितना 13, लॉस हो जाएगा 12,500, चूँकि 1,15,000 का है और ये एसेट से मिला है 1,02,500, यहाँ मिस्टेक हो गया, 1,02,500, तो ये हो जाएगा माइनस करने से 12,500 लॉस। JKM नाम दिया हुआ है, JKM अनुपात भी दिया हुआ है 4:3:3 बांट दो, ये होता है 5,000, 37,50, 37,50, ये हो जाएगा 5,000,
3750, 3750, ठीक है ना। आगे देखिए, जो दिवालिया हुआ है उसका हम पूंजी खाता पहले बनाते हैं ताकि आपको सुविधा हो। इससे पहले हम तो ऐसा किए हुए हैं, अभी हम क्या करते हैं एक साथ कर देते हैं। यदि दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा, आगे से हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जे के एम, तीन पार्टनर्स है, जे के एम। बाय बैलेंस बी डी, जेके का पूंजी दिया हुआ है 30,000 25,000, 30,000 और ये 25,000। एम का तो माइनस में है, टू बैलेंस बी डी कितना है 20,000 एम, ठीक है। इसके अलावा लॉस हुआ है तो डी आर में टू रियलाइजेशन 5,000, 3750, 3750। रूल कहता है कि वसूली की हानि को सोचम पार्टनर्स नकदी में लाएगा, मतलब ये जो हानि हुआ है 5 और 3 ये क्या करेगा नकद लाएगा। तो बाय कैश कर देंगे, यहाँ पे हम कैश या बैंक, बाय बैंक कर देंगे 5,000 और ये 3750। अब है कि जो डिफिशेंसी है उसको जो है सोचम पार्टनर्स पूंजी अनुपात में पूरा करते हैं। तो जो दिवालिया हुआ है एम, इसका पूंजी है 20 और ये लॉस है 3750, तो 20 × 3 23,750, ये डिफिशेंसी हो गया 23,750। इसको जे और के पूरा करेगा कैसे, तो पूंजी के अनुपात में पूंजी है 30,000 25,000 है, 30 और 25 है तो 25 25 5 6 30, तो ये हो गया कितना 6 5 11, तो 6/11 गुना 23,750, 6 × 5/11 हो जाएगा गुना 23,750, गुना कर लो कर दो 22 1, तो 1 आ गया 11 11 11, 6 आ गया नहीं, तो ये गुना भाग करने से हो जाएगा 6 आ गया 11 55 55, तो 10 आ गया 111 9 99, फिर 1 आ गया नहीं खाएगा 0, फिर 11 9 99, 5 से गुना कर लेंगे तो गुना करने से ये हो जाता है 10,795, 10,795 अप्रोक्स लेके, और इसका हो जाएगा 12,955, ठीक है। तो आइए, चूँकि के एम को मिल रहा है, जे देगा तो बाय जे कैपिटल और के देगा तो बाय के कैपिटल, तो ये जो है 10,955, 10,955 और ये 10,955 इसका हो जाए, 10,955 इसका है, अब 12,955, एक मिनट ये थोड़ा सा अमाउंट मिस्टेक हो गया है, 10,795, 10,795 और ये 12,955, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 23,750, 23,750, इसका खेल ख़त्म हो गया। आइए अब बात करते हैं जे और के, तो जे और के ने क्या किया, एम का डिफरेंसी पूरा किया है, जे के लिए लॉस है ना, तो डी आर में हो जाएगा 2 एम कैपिटल, जे ने दिया है 12,955, 12,955, के ने दिया है 10,795। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे, ये होता है 35,535,28,750, ये हो गया। अब इसको बैलेंस करेंगे हम 35,28,750, जो बचेगा पेमेंट कर दो टू बैंक 12,5 17,955 माइनस करेंगे हम, 17,045 आएगा और यहाँ पर 14,205 आएगा, ठीक है। आगे इसमें बनेगा बैंक अकाउंट, आइए वो हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट संपत्ति को बेचने से रुपया आया है, चूँकि पहले से कुछ था ही नहीं आपके पास, 1,02,500। इसके अलावा जो है जे लाया है घर से वसूली की हानि तो जे कैपिटल, एम लाया है तो
सॉरी के लाया है तो के कैपिटल, ये जो वसूली कहानी था 5,000 और ये 3,750। इसके अलावा पेमेंट किए हैं लेनदार को, कुल मिला के कितना हुआ था जी, 80,000 हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा जे को पेमेंट करेंगे तो जे कैपिटल, एम को, के को पेमेंट करेंगे तो के कैपिटल। जे को पेमेंट हुआ है 17,045 और के को हुआ है 10,795, और शायद इसमें कुछ नहीं है जे के, ठीक है। और यहाँ पर 1,02,500, 5,000 सब कुछ जोड़ लीजिए, जोड़ने से 1,11,250, 1,11,250 होता है, यहाँ भी सेम हो जाएगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 6, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।